गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग उसके नेचर को हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जैसा कि हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस में पढ़े थे कि ये जो प्रोसेस होते हैं उनके स्टेप्स को हम लोग ऊपर नीचे या मिस जम्बल नहीं कर सकते, उनको एज इट इज़ ही उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है जिस तरीके से मतलब दिया होता है। तो फर्स्ट वन इज़ देयर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। देयर आर ओनली फोर स्टेप्स, तो चलिए वन बाय वन इसे देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क। इस पिक्चर में जैसा कि दिया हुआ है कि सभी पर्सन अपने अपने टेबल पर अपना अपना काम कर रहे हैं, मीन्स उनको वर्क डिवाइड हो चुका है और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बिगिंस विद द डिवीज़न ऑफ वर्क। द डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स डिवाइड द टोटल वर्क इंटू द स्मॉलर जॉब और स्मॉलर यूनिट। डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसके डेफिनेशन में भी कि सबसे पहले तो हमें प्लानिंग को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आइडेंटिफाई करना होगा वर्क को और उसको डिवाइड करना होगा छोटे छोटे काम में, छोटे छोटे वर्क्स में, जिससे कि हर पर्सन जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार से जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है उसमें वो उसे वर्क कर सके। डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू द डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑल्सो। नेक्स्ट, ऐसे चलिए इसमें एग्जांपल भी जो दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं कि एन एग्जांपल इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ जॉब। वन पर्सन एक्ट एज कैशियर, ही रिसीव्स कैश एंड मेक पेमेंट्स। अनदर पर्सन डील्स हाउसिंग लोन्स, डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स आर हैंडल्ड बाय वन पर्सन एंड गोल्ड लोन हैंडल बाय अनदर वन एंड सो ऑन। जिस तरीके से बैंक में हर पर्सन का हर टेबल पे जो बैठे रहते हैं जितने भी क्लर्क, सबके अलग अलग वर्क होते हैं, तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन जैसा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स कि सेलेक्टिंग द एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर एंड ग्रुपिंग दैम टुगेदर। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि नेचर में सिमिलर है, एक जैसे हैं, और उनको ग्रुप करके डिपार्टमेंटलाइजेशन बना देना जिससे कि स्पेशलाइजेशन करने में आसानी हो। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है किस बेसिस पे हो सकता है, तो ये फंक्शन के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे भी हो सकता है, और डिफरेंट एरियाज़ या टेरिटरी के बेसिस पे भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अगर फंक्शंस के बेसिस पे बांट रहे हैं तो इसमें दिखा भी रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक। नेक्स्ट है कि अगर आपके यहाँ कंपनी अलग अलग कई प्रोडक्ट लाइन पे वर्क करती है, जैसा कि हम लोग बिग बाज़ार वगैरह है, जो जितने भी FMCG बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं, तो उसमें हो सकता है कि गारमेंट डिवीज़न अलग है, बैग्स डिवीज़न अलग है, शूज़ डिवीज़न अलग है, FMCG डिवीज़न अलग है, फूड डिपार्टमेंट अलग से है, इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न अलग है, सबके डिवीज़न अलग अलग हैं। इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। या फिर जैसे कोई कंपनी है पूरा ऑल ओवर द इंडिया वर्क कर रही है तो उसको वो जोन वाइज में बांट सकते हैं। नॉर्थ जोन का कोई अलग दिखेगा, साउथ जोन का अलग दिखेगा, वेस्ट जोन का अलग दिखेगा, ठीक। या फिर स्टेट वाइज बांट सकते हैं कि UP का अलग दिखेगा, मुंबई का अलग दिखेगा। तो आप जिस तरीके से बांटना चाहें, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है उतना ज़्यादा डिपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, वंस वर्क हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़, देन दोज एक्टिविटीज़ विच आर सिमिलर इन नेचर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जो ये इसमें दिखा रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बांटे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ असाइन करना, इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो सभी को ड्यूटीज़ बता रहे हैं कि उनको क्या क्या करना है। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में जैसे कि एक बार अगर आप वर्क डिवाइड हो गया और डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया कि हर सबको डिपार्टमेंट बांट दिया गया कि सबकी क्या क्या मतलब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट लोग रहेंगे और किनको क्या क्या काम करना है, अब उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी होती है उस डिपार्टमेंट में भी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। हर डिपार्टमेंट में उनके क्या योगदान रहेगा, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर द इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, कि जो वर्क आपको असाइन किया गया है उसको आप इफ़िशेंटली करें और अपने फुल स्किल से करें। जैसा कि अगर मान लीजिए कोई स्कूल है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक, जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, तो टीचर्स जिनको जो मैथमेटिक्स में
अच्छे होंगे या जो मैथमेटिक्स फील्ड से होंगे उनको मैथमेटिक्स दिया जाएगा, जो फिज़िक्स के फील्ड होंगे उन फिज़िक्स दिया जाएगा, जो कॉमर्स होंगे कॉमर्स दिया जाएगा, और हो सकता है कि सभी के डिपार्टमेंट में फिर किसी को हेड भी बनाया जाए, जो HOD होते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है इसमें कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो रहा है, कि डिपार्टमेंट तो बढ़ गया कि मैथ्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप लोग देखते हैं। ठीक, उसके बाद उनमें ड्यूटीज़ भी बांट दी जाती है, तो ये बांटना बहुत ज़रूरी होता है। और वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड इट इज़ नेसेसरी टू एलोकेट वर्क जॉब टू मेंबर्स। इन अदर वर्ड्स द वर्क मस्ट बी असाइन टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट। जो उसके लिए बेस्ट फिटेड होगा उसी को ही वो वर्क देना चाहिए जिससे कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस आ सके। नेक्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर देगा। ये जब नहीं पता होता है तो काफ़ी क्योस आ जाते हैं और दिक्कतें होती हैं, और एक जो परफेक्शन जो आना चाहिए या जो एफिशिएंसी आनी चाहिए वर्क में वो नहीं आ पाती है। इफ़ देयर आर टू मेनी पीपल वर्किंग इन अ ग्रुप इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रुप मेंबर्स टू नो फ्रॉम होम दे हैव टू टेक ऑर्डर्स एंड टू होम दे आर अकाउंटेबल। द क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसे कि इसमें बताया गया है आपको गैंग प्लैंक और ये सब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बताया गया था कि हायरार्किकल बनाया गया है उसमें। देयर इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरीके से बनाया जाए, जैसे टीचर, अब सिंपल सी चीज़ है कि सपोज़ करिए किसी दिन अगर वो कोई टीचर आए, ठीक, आपके क्लास में आए और आपको बता दे कि कल एक फंक्शन है, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ कर लेना, आप लाइब्रेरी अरेंज कर लीजिएगा उसमें, और जो भी है फंक्शंस है जहाँ पे वहाँ पे चेयर्स वगैरह लग जाने चाहिए, उसी में एक सेमिनार होगा। तो अब ये कह के चले गए, दूसरे दिन क्या होगा कि या तो कोई नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको क्या करना है। काम तो दो चार उन्होंने बता दिए, ABCD जो भी है, ठीक, लेकिन कौन क्या करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो या तो कुछ नहीं काम हुआ होगा या तो फिर सुबह एकदम क्योस होगा कि सब काम में लगे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ड्यूटी सबको असाइन करना, उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताना कि कौन किसको ऑर्डर फॉलो, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक, कौन उसमें हेड होगा, कौन मॉनिटर होगा, ठीक। तो ये सबको बताना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ऑर्गेनाइजिंग के कई सारे इम्पोर्टेंस भी हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन इज़ द फर्स्ट पॉइंट, फॉलोड बाई दीज ऑल 6 पॉइंट्स। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सबको सबके अनुसार काम करने देना चाहिए, जिससे कि स्पेशलाइजेशन आ सकता है। जैसे एक वर्क है, इसमें शेफ़ है, जो शेफ़ है वो कुकिंग में स्पेशलाइज्ड होता है। शेफ़ को आप अगर वेटर का काम दोगे और वेटर का अगर शेफ़ का काम दोगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो स्पेशलाइजेशन जो होता है वो इम्प्रूव्स करता है प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को। हो सकता है कि जो वेटर है उसको भी बनाना आता हो खाना, और जो शेफ़ है उसको भी खाना सर्व करना आता हो, लेकिन जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है अगर उसको वो वर्क दिया जाता है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो बेनिफिट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क है ना स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मेक्स क्लियर डिवीज़न ऑफ वर्क, एवरी जॉब इज असाइन टू द राइट पर्सन। साइंटिफिक एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब रिलेशन रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन एंड इट्स रिलेटेड एडवांटेजेस। इससे क्या होगा, परफेक्शन बढ़ रहा है जैसा कि इसमें दिखा रहा है, स्पीड अच्छी हो रही है, ठीक, किससे हो रही है, डिवीज़न ऑफ वर्क से। नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर। जैसा कि ये सिंपल सी चीज़ है कि अथॉरिटी और पावर, ये लास्ट हम लोगों का जो प्रोसेस का लास्ट स्टेप भी था कि क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर करेगा, ये
एकदम क्लियर कट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि क्लैशेस नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योस नहीं होता है, ठीक, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑनर्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक, जैसा कि इन्होंने बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल का है, तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। विच स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू होम, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर एंड देयर बाई इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाई एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि कितने रिसोर्सेज आपके पास है, हमेशा सबके पास रिसोर्सेज जितना भी हो वो कम ही लगता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम इट विल नेवर बी इनफ, अगर आपको ये पता नहीं है कि कैसे उसको यूज़ करना है तो वो कभी भी आपके लिए इनफ नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा प्रोवर्ब है कि ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोवर्ब भी होता है कि क्योंकि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है और हम लोगों की ज़िंदगी हमेशा स्कार्सिटी में बीत रही है, तो उनके लिए ये सब काफ़ी अच्छा प्रोवर्ब भी है कि इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दैम इट विल नेवर बी इनफ। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इतने सारे स्टेयर्स सीढ़ियाँ हैं इसके पास, इतने सारे जो है वुडन स्टेयर्स हैं इसके पास, सीढ़ियाँ हैं लकड़ी सीढ़ियाँ, पर सबके ऊपर ये रख करके चढ़ रहा है और उस पार जा नहीं पा रहा है, और ये चाहता तो दो को भी जोड़ करके बस सीधे लगाया और उस पर क्रॉस कर सकता था, पर इसे पता नहीं है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक, या उसी पे सबसे ऊपर ही एक सीढ़ी लगा के वो दूसरे साइड जा सकता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है, आपके पास क्या है, ठीक, कम है कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उसका पूरा यूज़ करिए, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक, तभी आप लो कॉस्ट पे हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू द प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन की यूज जो होता है उसके कारण जो है प्रॉपर यूज़ होता है, कोई भी वेस्टेज बहुत कम निकलते हैं, द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कन्फ्यूजन एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। जब सबको उनके कैपेसिटी के अनुसार काम बटा है, सबको क्लियर कट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योस नहीं होगा, स्पीड अच्छी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज भी कम होंगे। जिस प्रकार जैसे कि कोई बेकरी की दुकान है, तो एक बेकर है, अगर बेकर्स को बेक करेगा तो उसमें वेस्टेज बहुत कम जाएगा चीज़ों की, दूसरा कोई बेक करेगा तो उसमें काफ़ी वेस्टेज, काफ़ी सामान वो वेस्ट कर देगा। तो स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए जब पहले हमको ये पता है कि अगर स्पेशलाइजेशन हमने आइडेंटिफिकेशन और डिवीज़न वर्क अच्छे से किया है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा ही। नेक्स्ट है अडॉप्टेशन टू चेंज, ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाता है कि वो चेंज को अडॉप्ट कर सके। जैसा कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छे से दिखा रहा है कि जिस जैसा मौसम है उस तरीके से ट्री ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है और वो खड़ा है, ठीक, मौसम चाहे कितना भी विपरीत हो, अच्छा हो बुरा हो। तो अडॉप्टेशन टू चेंज, प्रॉपरली डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ फ्लैक्सीबल, हमेशा जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फ्लैक्सीबल होता है। प्लान तो रिजिड है, ठीक, लेकिन प्लान को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ उसमें चेंजेस की ज़रूरत है तो हम लोग तुरंत चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। अब सपोज़ करिए कि जैसे कोई फिल्म है वो थिएटर में रिलीज़ होती है, लेकिन अगर अब लॉकडाउन हो गया है, थिएटर्स नहीं चल रहे हैं, जब रिलीज़ होने का टाइम आया तो उसको क्या नाम है कि ये डिसीजन लिया गया कि इसको टाला ना जा सके, इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे OTT वगैरह पे, अमेज़न प्राइम वगैरह पे, या दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे खुले हैं वहाँ पे इसको एक साथ रिलीज़ कर दिया जाए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर हम इसको टालते हैं तो हो सकता है कि ये कभी फिल्म लीक हो जाए और या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए कि शायद इससे अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट ना हो पाए, और जितना दिन ये टलेगा तो उतने दिन ये जो हमारा पैसा है वो फंसा रहेगा और हमें नुकसान हो सकता है। तो ये अडॉप्टेशन टू चेंज है कि जिस तरीके की परिस्थिति आई हमने उसको उसी तरीके से अडॉप्ट कर लिया, ठीक। तो प्रॉपरली डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ फ्लैक्सीबल, हमेशा फ्लैक्सीबल होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, इट लीड्स टू द अडॉप्टेशन टू चेंज।
नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब सिंपल सी चीज़ है कि जब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क हो रहा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, सबको ड्यूटीज़ बढ़ जा रही है, सबके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम बता दिए गए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा होगा ही, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपल सी चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो अगर जैसे हर वर्कर का जो है वर्क जो है वेल डिफाइंड है अगर है, तो प्रॉपर और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क मिलता ही है और वो दिखता है साफ साफ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज देयर बाई बिकम्स ईजी एंड दिस ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक और भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, अगर हम किसी को जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसी को वो वर्क दे रहे हैं, तो वो इजी फील करेगा, तो वो फील अगर फ्री फील करेगा थोड़ा, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, हमेशा कुछ नया अल्टरनेटिव भी वे को वो उस काम को करने के लिए वो खोजेगा। लेकिन अगर हम कोई जो उस चीज़ में स्किल्स नहीं है, इसके मतलब कि उसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उसको वर्क देते हैं, तो हमेशा वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। वो हो सकता है कि दूसरों के लिए जो इजी वर्क था स्पेशलाइज्ड पर्सन के लिए, उसको एकदम बर्डन के रूप में ले, और उसके लिए वो बर्डन हो, और फिर जो है उसको फटीग ज़्यादा होगी और सारे कोई भी क्रिएटिविटी दिखेगी नहीं, और वो एम्प्लॉय भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा और सेटिस्फाइड रिजल्ट भी नहीं देगा। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाय डेलीगेशन ऑफ वर्क्स टू सबॉर्डिनेट्स। जब ये वर्क्स को बांट देता है, ठीक, तो जो इफेक्टिव डेलीगेशन होता है उससे क्या होता है कि वर्कलोड होते हुए भी कम महसूस होता है वर्कर्स को, क्योंकि वो रूटीन जॉब्स होता है उनके लिए, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। तो उनको अपने टैलेंट को बाहर दिखाने में, बाहर रखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, हर कंपनी चाहती है कि वो एक्सपैंड करे, ग्रोथ करे। तो कैसे होगा एक्सपैंड या ग्रोथ? सिंपल सी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस बाय इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। जब कंपनी नए नए चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहेगी, सपोज़ करिए वो मुंबई में कोई कंपनी वर्क कर रही है, वो फिर इंदौर में, मैसूर में, अलग अलग सिटीज़ में वो जाने के लिए तैयार है, ठीक, या इंडिया में कोई चीज़ बिक रहा है उसको फॉरेन में बेचने के लिए तैयार है, तो हर वक्त वो कंपनी चैलेंजेस लेने के तैयार है, तो वो एक्सपेंड करेगी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटरप्राइज कैन एक्सपैंड एंड ग्रो थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई इट्स स्ट्रेंथ। इट इज़ थ्रू अ साउंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट मेनी स्मॉल फर्म्स हैव ग्रोन एंड बिकम बिग। ये सबको पता है। रिलायंस बेट्स, इसमें कुछ न्यूज़ है देख लेंगे, जैसा कि दिख रहा है कि रिलायंस बेट्स ऑन जियो टू डबल सेल्स इन 7 ईयर्स, ठीक, तो 7 साल में उसको सेल्स को डबल करना, तो ये एक्सपेंशन है, ग्रोथ होता ही रहेगा बिल्कुल भी, अगर जब सब कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहेगा तो कंपनी की ग्रोथ निश्चित होती है। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स को हम लोग ऊपर नीचे नहीं करना है, इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। थैंक यू।